नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के करवी चित्रकूट में कोटेदार की शिकायत जिलाधिकारी से। विकास खंड पहाड़ी के ग्राम लोहदा के धीरज तिवारी, समाज सेवी राम सेवक वर्मा, पूर्व प्रधान ब्रजेश शुक्ला, चंद्रभान फुल्ली, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्रामीणों ने कोटेदार की शिकायत जिलाधिकारी करवी चित्रकूट से की है। उन्होंने ये भी बताया कि कोटेदार पिछले 14 वर्षों से लोगों के हक का राशन खा रहा है, यहाँ तक कि जिन कार्ड धारकों की मृत्यु हो गई है उनका भी राशन लाकर खा रहा है। गढ़तोली करना तो ये अपना अधिकार समझता है, ग्रामीणों के शिकायत करने पर राशन ना देने की धमकी देता है तथा कहता है कि वह मेरा क्या बिगाड़ लोगे। संवाददाता रोहित त्रिपाठी, करवी चित्रकूट। आपका नाम क्या है? राम सेवक वर्मा। अच्छा, लोहदा। आपने मेरे पास फोन किया, मैं ऑफिस में बैठा था। जी, जब हमको जानकारी मिली कि रोहित कुमार जी मीडिया से जुटे हैं। जी, नंबर मिला आपसे, हमने फोन लगाए, बातचीत की। जी। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं? लोहदा गाँव के हैं। जिला कौन सा लगता है? चित्रकूट। अच्छा, ब्लॉक कौन सा लगता है आपका? पहाड़ी। पहाड़ी लगता है। जी। आप कहना क्या चाहते हैं? आपने मेरे पास कॉल किया। जी, कि मैं लोहदा से बोल रहा हूँ। आप जी। रोहित कुमार त्रिपाठी पत्रकार बोल रहे हैं? जी, हमने आपने कॉल किया मेरे पास। हाँ, मैंने किया। आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जो मेरे लोहदा गांव कोटेदार है छेदीलाल वर्मा, जो अनुसूचित जात का है, ये 14 साल पहले कोटा पूर्व जनरल आदमी था, मामूली इंसान था, नरेगा में काम करता था, और कोटा 14 साल के कोटा दौरान इतनी बड़ी कालाबाजारी, मृतकों के नाम गल्ला निकालना, जो मर गए हैं 6 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल पहले, उनके नाम का गल्ला निकालना, ये मेरे गांव के कोटेदार का काम है। और इतना ही नहीं, जो जिंदा लोग हैं उनके नाम की घटतौली करता है। मारो वहाँ।